चाहता हूँ कि और कोई मेरे को कॉमेडी ना शुरू <laughs> <मेरे दुण... laughs> क्या लॉजिक है लाइक like, हम कुत्ते को मोटा कुत्ते को नहीं छोड़ते अरे मोटे हाँ सोना वाला जिम जकूजी वाला जिम यहीं से तैयार हो जाएंगे ऑफिस वाला जिम ऑफिस का जिम स्किपिंग स्किपिंग करेंगे वॉक 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 ये हर जगह योगा 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 हाँ

<laughs> मैंने बोला गणेश हूँ मैं हर जगह का मुहूर्त आई एम लाफिंग बुद्धा दिवाली वाले दिन में बाहर मिलता हूँ हर जगह हर जगह की ओपनिंग मैंने करी है आई एम सो टैलेंटलेस देयर इज नॉट इवन फनी लाइक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस वन होस्ट हु वेंट ओवरबोर्ड शी सेड हसीनों के सम्राट जमा दिनों की धड़कन में तेरी ये है कौन व्हेन शी पासस अवे व्हिच एज मच एज वी वुड नॉट वांट आवर पेरेंट्स टू पास अवे हेलो ना तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ आपको एंटरटेन करना चाहता हूँ अब क्योंकि मैं एक कमेडियन हूँ तो वो सारी किस्से कहानियां एक फन वे में एक लाइट हार्टेड वे में एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर करूंगा तो गाइज आपका स्वागत है इस नए सफर में प्रेजेंटिंग टू तो यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी हेलो एवरीवन वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी और आज हमारे साथ है वो इंसान <laughs> जिसको अभी तक हम जितने एपिसोड में जो गेस्ट लाए हैं वो बोले जा रहे हैं भाई साहब हमने जिवेशु के वीडियो देख के स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी जिवेशु के लाइव शो देख के स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी हाँ। तो वेलकम टू

<laughs> like this. It's It's not all jealousy. It's just common sense. मुझे याद आ रहा है वो दिन मुझे I think हाँ. आपको भी याद होगा मुझे पता कौन सा नहीं, 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 अभी मुझे नहीं पता बहुत सारे दिन <laughs> ऐसे वैसे, वैसे हमने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया शुरू के दो तीन साल but मुझे वो act वो दिन याद आ रहा है जिस दिन आपने शायद फर्स्ट गिट किया था गुड़गांव में माइंड कैफे वो आपका पहला गिग था, था। है ना तो गाइस जिनको नहीं पता है माइंड कैफे अमित टंडन सर चलाते थे, थे। गुड़गंड श्री, 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 श्री अमित टंडन अमित अमित श्री अमित कहाँ पे था ये गलेरिया गलेरिया के जस्ट अपोजिट पॉइंट क्रॉस पॉइंट मॉल में और बहुत ही उस टाइम पे मतलब मेरा आई थिंक दूसरा गिग था पेड़ गिग मेरे को ऐसे हाथ में लिफाफा हाँ, पकड़ा हाँ, के नहीं होते, <laughs> आँगा। आँगा तो वहाँ पे हम करते थे और बहुत सारे कमेडियन एक दिन परफॉर्म करते थे और जवेशू सर आए जवेश और भाई इन्होंने दस मिनट किया होगा और भैंस क्यों वहाँ लोग पागल हो गए

अच्छा दोस्त एक क्लाइंट uh, भी था मेरा अच्छा। नाम था एरन मिंकस उसने मैं बोला स्टैंड अप कॉमेडी नाम की चीज होती है तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि, you know, होता है घर पे वही कॉमेडी अब फर्क यहाँ था, था कि अब जब हम जैसों को बुलाता है तो कुछ लोग एस एम एस उसने व्हाट्सएप होता नहीं था एस एम एस की जोक सुना रहे संता बनता you know, चींटी हाथी वाले जो भी है राइट जो भी है

वो करो फिर किया मतलब फिर शो किया तो प्रिपेयर अच्छा। कुछ नहीं था मेरा I mean, मेरा शो सेल्फ ह्यूमर पे था तो उसमें प्रिपरेशन इतना नहीं था कि मैं अच्छा। मोटा हूं अच्छा। मेरी माँ है मैं डिवोर्स ये सब तो उसके लिए प्रिपरेशन इतना नहीं था जितना कि नरेशन ज़्यादा था आई थिंक स्टैंड इज एन वेरी गुड जोक बट डू इट रियली ऑन स्टेज एंड कि दो वो टट्टी खा रहे थे Right. So, नहीं नहीं मेरा मतलब प्रिपरेशन का मतलब ये था जैसे जब आप सेल्फ डेपिकेटिंग ह्यूमर भी करते हाँ. तो हाँ, हो तो एटलीस्ट दस पॉइंट आपके माइंड वो, हाँ, वो लिख के मतलब जैसे मैंने कहा था मोटा

हजारों में में थे तो सारे दे क्यों थे क्योंकि सादे याद आई आई व्हेन यू हैड दिस पतली पेन वाला चार्जर <laughs> मैं भी ना ना तो महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट शो जो मराठी करते हैं डोंट द नेम उसमें आ, बहुत अच्छे स्केचेस करते हैं जैसे कपिल है right. वैसे स्केचेस करते हैं इमिटेट uh, करे थे डोनाल्ड ट्रम्प आता है उसमें ब्लॉन्ग बेग लगा के उसे बोलते हैं बाई डोंट यू से सम वर्ड्स क्या पतली पेन वाला चार्जर है <laughs>

जो आपने वो कितनी देर किया था उस दिन आयी थी आठ नौ मिनट किया, किया था आठ नौ मिनट किया था वो फीलिंग कैसी थी अगले दिन इस्तीफा दे दिया भाई सच <laughs> में उसके अगले दिन सो so अमित came and he said कि if you do anything other than comedy in your life good and like he said you really good नहीं वो तो उस दिन दिख गया था क्योंकि हम सब उस दिन एवरेज कर देते थे कंपेरिटिवली और आपने जो आगे फाड़ा था मतलब भाई वो जमीन पे बैठे उसमें ऐसा होता था ना वो नीचे नीचे कुछ नीचे बैठे थे कुछ हा, 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 और फिर बाकी लोग चेयर पे बैठे थे, तो हा, हा, बीच में तो अमित सर ने वो शीशा भी लगवा दिया था अगर आपको याद हो रहा उसके पीछे लोग देखते थे और आपको उनका लाफ्टा नहीं आ रहा वो हंसे जा रहे आपकी ऑडियो तो भी नहीं आई थिंक वो इज वन ऑफ थिंकिंग जहाँ पे आपको लगता है यार कितना अच्छा लगता है इट नॉट की आपकी लाइफ कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि

भाई right, you know? so, right. क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ 140 किलो का आदमी एंड इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है एंड uh, होता है कि जब आप मोटे होते हो तो यू वांट अटेंशन तो टैटूज कांचदाना दाढ़ी रखना दीज आर ऑल बाल भी कलर किए थे आपने बीच में कॉज द पिंक हाँ। लाल लाल, 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 लाल ये थे वो वाले लाल वो पर्पल ही किए थे शायद आपने दाढ़ी ब्लॉन्ड मेरे पर नहीं क्या-क्या कर है मतलब सो

अच्छा तो रेजिग्नेशन दे ही चुका था मैं मतलब अन टाइम रेजिग्नेशन दिया भी नहीं था एक्चुअली सेवन मार्च आई वांटेड टू क्विट कॉन्टेम्पलेट कर कॉन्टेम्पलेट करा था हाँ। मैं जाके अब मेरे पास हिंडा एक्सेंट होती थी एक हाँ मैं जाके उस गाड़ी में बैठा और पार्किंग में बैठा पाँच मिनट आई थिंक आई सैट डाउन लाइक स्मोक द सिगरेट एंड गाड़ी स्टार्ट करी घर आ गया बिना किसी को बताया ऑफिस से ऑफिस से घर आ गया और मेरी शिफ्ट शुरू हुए तो मेरा शिफ्ट शुरू होता तो सात बजे मैं दो बजे का पहुंचा हुआ था तो मुझे लगा कि मैं इतने लंबे आवर्स कर रहा हूँ पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है इतना डेडिकेट कर रहा है

तो वन वॉज़ देट कि मैं बस फाइनेंशियल मैं ये नहीं बोलो बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस था बट मेरी मेरा एग्जिट वॉज कम लाइक मेरा महीने का अगर मैं मैं और मेरी माँ बैठ के खाना भी खाएँ तीन टाइम चिकन और तीनों माँ मतलब माँ मा बेटा बैठ के शराबे पी रहे हैं बीस हज़ार रुपये महीने का यार <coughs> कितना लेट जाओगे सही बात है दो साल का निकाल तो लेना हाँ, किस्तें नहीं देखी किराया राइट राइट तो हाँ। वो मेरे पास सॉलिड था हाँ। आ, कि, कि मैंने नौकरी में सोलह साल दिए तो इसमें सोलह महीने दे दूं मैं अगर सोलह महीने नहीं चला तो

तो आप चार रुपए लेते तो हम तीन रुपए देंगे हाँ, आ जाओ आ, जाओ। आ जाओ ठीक हाँ, तो वेस है दैट वेज आई हैड इनफ क्रेडिबिलिटी कि मैं काम कर लूंगा एंड हाँ, हाँ, हाँ. मैंने बहुत ऑड जॉब्स करी थी वेटर भी था गोटूडर सेल्समैन भी था टॉर्चमैन भी था तो मेरे को ना ये था कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा मुझे याद है हम पीवीआर गए थे पीवीआर अनुपम पे और आप मुझे बताए थे यहां आप थे, थे था और वहां पे शायद वो पान वाले भैया आपको जानते भी थे जानता है भाई जिसकी <laughs> ब्लैक करते हुए पकड़ा गया पिटाई हुई उसको बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है भूखा नहीं भरूंगा तो प्रोज ये थे कॉन्स ऑब्वियसली होता कि यू लिव पे पे चेक सो

मैंने देखा था उस टाइम पे काफी कम कमेडियन थे मतलब जैसे जो ना अपने आप हाँ। कम कम, हाँ। तो 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 मतलब तो को कमर्शलाइज थोड़ा बोलते हमारे पास गिग नहीं आते और मैं बोलता हूँ पास वेबसाइट नहीं है तुम्हारे पास यूट्यूब चैनल नहीं है तुमने अपनी मार्केटिंग पे जीरो स्पेंड किया है और तुम सोचो कि जब तक मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा बट ऐसा नहीं था आज के टाइम में भी मतलब उस टाइम पे तो वीडियो थे भी नहीं है हमारे पास रिवाल्डो वायरल हुआ वा था छियासठ दस पे नोकिया जिसपे एम एम एस आते थे डीपीएस <laughs> वाला एम एम एस में वायरल बिफोर रिवाल्डो के ओनली थिंग वायरल वॉज डीपीएस एम एम एस सो रिवाल्डो चेंज so, छियासठ दस पे इतना ऐसे मोटा गोल सा फोन होता था वायरलिटी <laughs> right. बहुत चेंज हो गया यार right. वायरलिटी बस्सी सिंगर के करियर खत्म हो जाते हैं तो, तो एक्जिस्ट तो 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 ही नहीं करता ही देता क्या होता है मुझे लोगों ने आगे बताया कि सर आपने रिवाल्डो सर का वीडियो देखा और आप रिवाल्डो सर शो कर रहे होते थे मैंने तब तक नहीं देखा था उसका <laughs> मैंने तब तक <ते> मैं। <laughs> एक याद है मेरे को हम गए थे दो शो किए थे हमने बैक टू बैक सेम डे तो जिन एक मेरी वो आईफोन वाली जो बेटा वो उसी शो में रिकॉर्ड हुई है हम गए थे यहाँ से पहले एम माधा अजा अगर, अगर से आ, रोही रोही आ, रोही से टेक्नोलॉजी हाँ। हाँ। है रोहिणी रोहिणी में आज कहीं फिर वो शो निपटा फटाफट 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 भागा दौड़ी में ये वो वो फिर वहां से गए हम एयरपोर्ट फिर वहां से गए थे हम आईईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और उस वीडियो में जो रिवाल्डो वाला वीडियो है ऑडियंस में आप ऑडियंस ऐसे खड़े हुए बच्चों के साथ पलियों के साथ दरख्तों के साथ खड़ा हुआ क्योंकि रिवाल्डो हर चीज रिकॉर्ड करता था रिवाल्टो के चक्कर बड़े वीडियो खराब करे हमने

एडिट में इतना ज्यादा जम ना कर आता जैसे एक में तो मेरा ऐसे है कि व्हाइट शर्ट है अगले में, में, में वेस्ट वे, आ, था। <laughs> था। मैं। मैंने वेस्ट कोट पहना हुआ so ग्रीन कलर का करली देख रहा था कैनवास लाफ फिल्म बॉम्बे एक सेकंड के लिए इन्होंने शिफ्ट मारी है वापस आए क्योंकि उसमें उस वीडियो में वो वाला जो ठीक आ गया था कि पहले खराब कर दिया था मैंने लाइक नाए। और नाए। मैं भी सोच रहा था जो एक सेकंड के लिए कौन <laughs> क्लिप चेंज कर देता कोई और उसके बाद फिर वही आपकी वाइट पे पूछा मैंने क्या क्या, क्या एडिटर न, नशे में था ये नशे में थे यार दोनों <laughs> हम गए थे चंडीगढ़ गए थे और हमारी सुबह की ट्रेन थी या फ्लाइट थी ट्रेन, ट्रेन, थी और मिस हो गई थी या कोहरा बहुत था उसमें फिर इन्होंने कहा तू ऐसा कर घर आजा फिर आपका कोई तो दोस्त था उसको उसने वो गाड़ी चला रहा था हाँ। आप थे मंडावा को उठाया था हाँ। आकाश को उठाया हाँ। था आकाश को जनकपुरी से हाँ। उठाया था और फिर हम गए थे पूरा हाँ। भगते भगते फिर हमने वहां पे, पे वो भी खाए थे तो, मूर्थल में पराठे नहीं अंबाला पे वो मिलते थे ना चिकन अरे वो आ, कुछ तो था मटन मटन कुछ था मतलब बहुत फेमस पराठे चूरन पूरन के चुरन चुरन यार। हाँ, पूरन सिंह चूरन सिंह पूरन सिंह पूरन सिंह <laughs> पूर सिंह मटन वाला आ, ओ, ओ, और कड़कड़ती ठंड में गए थे <laughs> और फिर जो उस टाइम पे उस रेस्टोरेंट का ओनर था वो हमें चार बजे ले गया सुबह माउंट

अच्छा <laughs> वासु हम सुबह उठे और मैंने बोला मैंने वासु को फोन किया मैं वासु वेरा रू हाँ। कह दिया माउट फॉर जॉग नहीं <laughs> हमारी ट्रेन है साढ़े छः बजे की कह दिया यू गैस लेफ्ट मैं हम तो कमरे में बैठे <laughs> मैं वासु वेरी डी को कह मैंने माने को कांटेक्ट किया उसने फोन नहीं उठाया तो मैं वासु बोला वासु तो वाई वुड कॉल कह बिकॉज आई वांट टू कम मैं वासु की किसके साथ हुई <laughs> तो वापस आई रजत खड़ा हुआ था मैं रजत को फोन किया हमारी ट्रेन में like like <laughs> तो कोई बात नहीं भाई एक दिन और जाओ वो एक तो बंदा ऐसा। ना था। <laughs> था। है हॉस्पिटेबल हॉस्पिटल होटल भी होटल हाँ, आ रही है पहले क्वेश्चन रजत से रजत कह रहे Yes. <laughs> ये, <laughs> ये कैफी कॉन्वर्सेशन चल रही है यार हम घर कैसे जाएंगे <laughs> बस ऐसे ही ठीक है करो यार but, but, यार? Like, बहुत ही सही यार मुझे तो फन इतना तगड़ा लगता था ना अभी तो क्या है ना देखो प्रॉब्लम क्या है? अब आप सब लोग सिंगल पर्सन शो गए और क्लाइंट अफोर्ड भी नहीं कर पाता चार पाँच वो से वेरी है हाँ। अब होता क्या है आप शो तो बहुत गए तो, पैसे भी ज्यादा लेकिन पहले क्या होता कोई बकचोदी चलती रहती कुछ एक्साइटमेंट बनी रहती थी मतलब कॉन्स्टेंट रहते थे क्या करना है क्या करना है को कितने पैसे मिले रिवाल्डो के साथ जब हमने शुरू किए थे तो वो हमने पहले एम गया किया फिर हमने लखनऊ किया फिर लखनऊ के बाद बच्चे <laughs> बोलते हैं सर हम पे खाना आपने एक याद है कल बैसो जब मैंने किसी को बोला मैं जमेशू भाई के साथ शूट करता हूं तो कहता है वो पूछना जब एक किस वाला वीडियो था मेरा और आपका याद है आपको oh, like, तो तो <laughs> किस वाला आई एस दुर्गा हाँ, एक सीन है हाँ, जिसमें मैं आपको किस हाँ, हाँ, यहाँ पे ये <laughs> पता नहीं व्हाट डूइंग नाउ बट बट मुझे आज तक पता नहीं। पता थी। पता थी। उसने कुछ कॉलेज वॉलेज खोले हुए थे इतना मुझे पता है। या तो के नोट अमीर, रहा है। हाँ, वो, वो अमीर वाले लेवल पे नहीं वो लेजेंडरी वाला फरीदाबाद खरीद लिया सेक्टर 14 मेरा

मोटा आदमी क्या थे आपके कुछ वो थी प्रॉब्लम कुछ मेंटली मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने दोनों फेज देखे हुए आपने उसको इंजॉय भी किया हुआ आपने उस पर जोक्स भी बना रखे प्लस अब आप बेटर उस पर आ गए

तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आई थिंक वो मोटा होना एंजॉय करता था नहीं वो करना पड़ा बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस सो और वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर एक कहने के लिए है लेकिन द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट द ह्यूमर और सेल्फ आइट इज डेप्रिकेटिंग पार्ट राइट बिकॉज दुनिया बेजती करे उस बेजती को मैं खुद ही कर लू

जब आप मोटे होते हो तो आपको जिम जाना है या सही खाना खाना है दोनों चीजें कॉम्बिनेशन ठीक है उससे क्या होता है इट्स हार्ड वर्क एंड आप खाना इसलिए खा रहे हो बिकॉज देर इज समथिंग को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मतलब कि अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ लोग शराब पीनी शुरू करते हैं कुछ लोग ड्रग्स करते, है, हाँ, करते हैं कुछ लोग शॉपिंग करते हैं कुछ लोग जो भी करते हैं ठीक है खाना इज एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिकॉज जब आप फ्रिज खोलते हो ना वो खाना को जज नहीं करता खाते आपको अच्छा महसूस होता है इंस्टेंट है एंड इज रेडिली अवेलेबल तो आप मोटे हो यह सोचो आपको दुख हो रहा है उस दुख को मिटाने के लिए आप खाना खाते हो वापस oh मोटे तो so, साइकिल चलता रहता है वो राइट सो वेन यू आस्क अ फैट पर्सन एंड आई एम स्टिल फैट राइट सो वेन यू आस्क अ फैट पर्सन वाई डोट यू स्टॉप इट इट्स अ वेरी इजी फिक्स राइट तूने मेरे को गाली दी ले मैं और खा लूंगा अब हाँ, मत अच्छा फील कर हाँ, खत्म कदर हाँ, लेकिन हाँ, अगले दिन फिर वही है ना तो वो हाँ, कहता है लेकिन मैं अच्छा कम महसूस करूँ फिर यू एक्सपेक्टेड मी टू ओवरलुक एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग राइट एंड स्टिल कम आउट एज अ विनर इफ आई वाज वन आई वुडंट बी हियर इन द फर्स्ट प्लेस राइट <laughs> तो मोटे होने का वही है कि इंस्टेंट किसन नोजिकल एलमेंट जैसे, जो भी कुछ है, जैसे भी तो नहीं कर सकते माई मदर शी कैन जॉक राइट अच्छा अब खाना क्या वो बैठे बैठे मूंगफली ये वो उनको अगर मैं बोलती कि मम्मी जी मीठा मत खाओ उन्होंने कल गाजर का हलवा बनाया उनके हिसाब से उन्होंने तीन स्प्लेंडर डाला है और इता सगी इतना इतना हलवा बनाया

मोटी लड़की की शादी हाँ, हाँ। हम कुत्ते को मोटा कुत्ते को नहीं खिलाएंगे <laughs> <laughs> कोई, कोई सगड़े कुत्ते को देखो, आप ओहो, ये मरने वाला उसने पांच मिनट पहले खाना खाया हो सेइंग कि वो बचपन से खाता आ रहा है इसलिए वो पतलामजय सिंह हम जब जानवरों को नहीं छोड़ते हमें मोटी भैंस चाहिए व्हाट

लोगों के साथ ज्वाइन किया दोस्तों के साथ ज्वाइन किया वो जो चीज आप सोच सकते हो मैंने करी है घर के पास वाला जिम दूर वाला जिम सोना वाला जिम, जिम हाँ, सोना वाला जिम जकूजी वाला जिम यहीं से तैयार हो जा, चले जाएंगे ऑफिस वाला जिम ऑफिस का जिम स्की स्कीपिंग स्कीपिंग करेंगे वॉक 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 ये हर जगह योगा 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 हाँ घर के अंदर जिम छत के ऊपर जिम पर्सनल ट्रेनर घर पे मैं पर्सनल ट्रेनर के घर पे एक दूसरे गोल में बैठे हुए हैं

आ, आ, ओनर हाँ ऑनर को मैं बोला यार मेरे को ना जिम ज्वाइन करना है कहता भैया पिछले साल जो आपने पैसे दे देखे दे मैंने दे दे कहा और डेढ़ दिन दे आए थे आप आप एक दिन आ जाओ पैसे मत देना <laughs> तो 19 मार्च वाज अ ए और सम रैंडम दिन सुबह पाँच बजे नहीं उठा मैंने सारे वो करे थे कि मैं मेरे को ना का, का वो कार्गो पैंट्स पहन के जाएंगे जिम जाने के लिए जिम के कपड़े होने चाहिए जिम के जूते होने सब कर लिया था मैंने ये तो मैंने घर की एक टी शर्ट पहनी मैं उसके पास गया दोपहर के दस ग्यारह बजे मैं भैया जिम क्रा करिए

कोई गे गा नहीं आया किसी इवेंट वाले ने बदतमी से बात करी या पैसे किसी कोई और ज्यादा सक्सेसफुल है आपसे किसी को ज्यादा शोज मिल रहे हैं आपका शो अच्छा नहीं गया कुछ लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आपको कम मिल रहे हैं किसी का वीडियो ज्यादा अच्छा लगा वो प्रोफेशनल लेवल पे हो गया पर्सनल लेवल पे मम्मी से नहीं बनी आपके कोई रिश्तेदार कुत्ते के बच्चे ने खिलाए गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई दोस्तों से लड़ाई हो गई दर वॉज कॉन्स्टेंट एंगर फॉर मी ठीक है एंड आई वॉन्ट टू फिजिकली हर्ट पीपल

which was very very good. so I identified a lot of things that I, that were causing me to feel this. causing you to feel this way. अच्छा. Why was I angry? What am I protecting? Okay. How okay. am I protecting? ये कब से शुरू की आपने? थेरेपी last year. आचा. Last year March. Okay. Hmm. i see last year ही शुरू किया. हाँ हाँ. तो okay कुछ difference आया. ये मैं अभी conversation को guys just because मुझे लगता है कि जिवेशु भाई ने बहुत कुछ life में देखा हुआ है. और मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये मैं हाँ, अपने लिए जानना चाहता हूँ मुझे नहीं पता तुम्हें तो मैं करना हाँ, करो है ना ठीक है फिर चल रहा है पूछो मैं मैं ये पूछा था कि कुछ आपने फील किया था मतलब डिप्रेशन एंजाइटी हाँ तो आई स्टार्टेड फीलिंग नॉट वांटिंग टू गो आउट नॉट मीट पीपल कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ डेथ

It is not a very healthy emotion to have. It's always a negative emotion. Haan, but, and consumes you, right? right. And it Drain you. Right? It drains you, yeah. Right. So I started doing therapy. So how it helped me was... I started talking about things that were so long forgotten in my life. Achcha. During those therapy sessions, I started remembering. Achcha. For example, how uh, my relationship with my mother... is how I look at it, for example, right? Ki, what role does she play in my life? What are the good parts to it? What are the bad parts to it? Similarly, what are the good parts to my my relationship with my wife? What are the good parts of uh, my relationship with my own self? Like, there's one thing that she said was that I was so unprotected when I was a child because my father was dead, so my mother used to work. So, from people beating me as a child or discarding uh, me, disrespecting me, they like, say, कुछ आपकी कॉलोनी में जिन बच्चों के पास ज्यादा पैसे हैं जब उनके है, है, है. तो, constant, uh, right. right. कि आप सर्टेन सेट ऑफ बच्चों के साथ ही घूम सकते हो राइट एंड प्रॉब्लम क्या होता है जब बच्चे होते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग थिंग्स दे डिसाइड किड वांट्स टू गो आउट विद राइट मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ right. um, जिसके जिसका बाप नहीं है जिसकी माँ काम पे जाती है तो आवारा बच्चे हैं हां मैं आवारा था बिकॉज दोपहर के दो बजे आके मेरे पास कुछ नहीं है मेरे घर में टीवी नहीं है रेडियो नहीं है एम एम आई 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 सपोज टू लाइक स्टेयर एट वॉल यू कैंट एक्सपेक्ट अ सेवन ईयर ओल्ड चाइल्ड टू जस्ट लुक एट अ वॉल तो क्रैच में चले गए अब क्रैच में जैसे अब बारह दस ग्यारह बारह साल के हुए तो मेरी माँ की फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो गई तो उन्होंने बोला कि तुम अपने भाई का ध्यान क्यों नहीं रखते है, मेरा भाई मुझसे सात साल का भाई है और हम घर में बैठे हैं तो हम लोगों के सी नहीं था तो हम करते थे कि बहुत गर्मी हो रही अंकल हम आ जाए हम बैठ जाएंगे थोड़ी देर या टीवी नहीं है तो हम आगे थोड़ी देर महाभारत आता था उस टाइम महाभारत देखने आता था संडे सुबह या मोगली आता था सो दे सो दैट थिंग सो डिफरेंट Such a lack of it. Now I look at it. Hmm. But back then it never felt like a lack. So a lot of things that I used to feel that way. So what she told me was one of those really, really strong statements she told me, my therapist, was that what I'm trying to do is I'm trying to protect that child who was never protected. Okay. For me, that is what I'm aiming at. Financially I want to become stronger. Physically, I want to become stronger. Oh, okay. Because I want to go back in time and protect that child from whatever that child is feeling.

can also do it <laughs> <laughs> it's, a fact. Haan, it's, so it's a fact it's a so, fact so everybody's funny to four more people i've said this a long time and a are of times I've said, the shift is from the drawing room to the stage right and there's nothing called a bad audience if the audience is paying whatever amount right. they dress up they come from point a to point b right. they give you time that the time they could have given to their parents haan, loved haan, ones or travel or self-obsessed

चाहे मतलब वो होता है ना कि आप मौत बचा रहे हो हाँ, हाँ। लेकिन आपके मन में इतना फनी है ना कि ये नहीं छोडूंगा मैं जो वही हाँ तो मुझे कई जो बहुत पसंद है अपने लेकिन बहुत ही गंदे हैं दिस जस्ट नेवर वर्क अब तो मतलब मैं तो एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ कि ये वाला जोक मैं सिर्फ अपने लिए तुझे तो अगला सुनाता हूँ <laughs> आपने जब करते थे मुझे याद है उस टाइम पे आपके वीडियो भी नहीं आए थे नहीं लेकिन मुझे ये याद है कि आपने ना बहुत जगह परफॉर्म किया और इसलिए आई थिंक बहुत सारे कमेडियन जो यहाँ पे आते हैं उन्होंने आपके लाइव शो देखे होते हैं मेरे यूट्यूब पे देखा होता है गणेश गणेश <laughs>

तो मैं रजनीश कपूर करके कॉमिक है वो करता है नहीं करता मुझे नहीं पता uh -huh. मैं उससे पैसे लेने गया था रजनीश से अपने चेक लिया एंड uh, मैं उसके पास पहुंचा सी uh, जे के पास एंड सी जे सी जे मैनेड यू कर फ्री नॉट फ्री तेरवी चौथा मुंडन मतलब मुझे राम नाम सतोरा बीच में दो जोक सुना दूंगा <स्तिति> लाइक मुझे मौका दो आप मैं हर जगह पे जोक सुना सकता हूँ एक बार अपने कहीं तो शो किया था, था शायद शाइकर में ही किया था और उसके बाद सीजे का नहीं वो शाइकर या कहीं किया

मैं सीजे के लिए ओपन किया है मैंने अमित के लिए ओपन किया है निशांत मेरे को कोई भी दे दे च, अब मेरा ये नहीं था कि आ, इंडिया हैबिटेट सेंटर में करना है।, है मैं चलती बस में करने को रेडी हूँ मॉल के नीचे मैंने ड्राइंग रूम में शो करे हैं ड्रॉइंग रूम में सिक्स वेमेन ऑफ स्पेशली लाइक द दिक्स वेमन हुआ मदर्स ऑफ स्पेशली एबल्ड किड्स छः लोगों के बीच में वो कुर्सी उल्टी करके मैं इधर देख रही है मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ अच्छा हाँ घरों पर भी किया मैंने वासू ने किया था मैंने किया था जाकिर ने किए हैं जाकिर का वाला तो फार्म वाला था ड्राइंग रूम में कर रहे हैं एंड एंड आई नेवर स्टॉप्ड सो या सो वही जस्ट दैट कि मैं आई वाज कॉन्स्टेंटली पुशिंग यू विल नॉट मिस मी बिकॉज आई विल बी एवरीवेयर

पचास वीडियो हैं तो पचास इंटू अगर दो मिनट सौ मिनट है वो सौ मिनट कभी टच नहीं करूँगा मैं अच्छा लाइव शो इधर उधर कोई कुछ भी, भी, भी नहीं Wow. इफ somebody आस्क स्पेसिफिकली कई बार होता है कि हमें वो वाला सुना दीजिए तो आई हैव टू watch माय own वीडियो क्योंकि भूल चुका होता हूँ जोक <laughs> <laughs> नहीं क्या सुनाया था इसमें आलू आलू बड़ी हाँ तो हाँ तो वो I will do it हाँ then I will go through that video and do it because it's it's the पैसा दे रहा है भाई <laughs> मना नहीं करूंगा मैं हमने एक लीला में शो किया था गुड़गांव में सीजे ने दिए थे मुझे और आपको 20 बीस, बीस मिनट का इन्हें थे <laughs> कोई तो रियल स्टेट का था रियलिटी <laughs> अवार्ड था शायद आ, सारे होम्स ऐसी कुछ था, हाँ, हाँ, कोई तो, तो बहुत सारे बिल्डर बैठे हुए थे और आपका ना तब एक जोक होता था मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है ये <laughs> वो गोवा आप ना कुछ अपने उस पर कहते थे कि मैं मोटा हूँ हाँ। और मैं बीच कुछ तो गोवा वाला जोक था जिसमें आप कहते थे कि मैं गोवा के बीच से ऐसे निकलते हुए आ रहा हूँ थल थल वो हाँ। तो ऐसे इमेजिन करोगे लोग मुझे पूछते इतने पैसों में हाँ। तुम धर्मशाला मनाली क्यों जा रहे हो इसमें तो जब तुम गोवा जा सकते हाँ, ये इमेजिन कर गोवा की रात गोवा की शाम है सूरज ढल रहा है तू पीना खुराड़ा पी रहा है और सामने से मेरी जैसी बॉडी वाला आदमी सिर्फ एक कच्छा पहन के ऐसे पेट हिल रहा ऊपर नीचे जा रहा है

आपने बीच में मैंने देखा बहुत सारी बॉलीवुड वैसे तो अभी मैंने भी बॉलीवुड मूवी बॉलीवुड या बॉलीवुड सॉरी या देयर टू पीपल बॉलीवुड एक्टर या सक्सेसफुल पीपल

<laughs> तो मैं उस लीग में जाता ही नहीं। बट आपने 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 आई आई थिंक थिंक में में किया तमाशा अच्छा, तमाशा अच्छा के रन्वीर के के दोस्त और उसके बाद एक think, आ, सोनाक्षी के साथ भी आपने हाँ जी हैप्पी भाग कितनी मूवी तीन तीसरी बंदा सिंह इट में रिलीज होनी थी हाँ एंड Is, ऐसा क्या लगता है आपको अपनी लाइफ में ऐसी किस लेवल पे आपने पनौती की होगी कि, एक कि मैंने पैसे मुझे, गए मुझे मुझे याद है कि मैंने मेरे घर से बाहर किसी मिर्ची रखा हुआ था <laughs> मैंने उस नींबू की शिकंजी बनाई <laughs> और, <laughs> और रोज, तो तो और रोज, और रोज खाई जा रहा हूँ ये हमारे छह सालों का टच करो ये बट लाइक everybody but movie <laughs> ka, you've done movies right I mean just a different feeling all together, like उसी तो तो <laughs> exactly. हाँ, तो तो <laughs> दिमाग है, आ, है।, उसी का दिमाग है यार, तो हम जैसा बंदा पिक्चर मतलब एक गंदी पिक्चर बनाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए पूरा पूरा

and I asked this one question to one of those actors ki why do lead actors who have so much success हाँ, do bad movies हाँ how much money is enough money and he said there is not enough money to be called enough money it's a fact agar aapko 2000 crore hai to you want 2000 एक एक तो करोड़ वह तो never ending है वह ना तो दलाई लामा होंगे ना हम सब <laughs> कह रहे तो that is why they do those movies Uh, like I mean, I, if I look at Akshay Kumar, there is, I think same year he did special 26, and I think same year was Chandni Chowk to China. acha I think अच्छा और एक दो साल के इंडा और दोनों is just league apart same actor <laughs> <laughs> right like बट like, I think वो <laughs> director की भी काफी वो रहती है ना मतलब director की vision या और वो सब नहीं vision तो ठीक है बस when you I mean as an actor हाँ as an actor I'm sure So like you know. <laughs> आप, आप, अग्रवाल फैमिली की, फैमिली की बहू का पहले बच्चे का या नॉन वेज नहीं चलेगा और हम बीच में ढोलकी भी करेंगे और छोटे धर्मशाला में, में अट्ठासी बच्चे हमारे पास और सात माई के यू नो दिस बैड वाई आर यू डूंगो दिस इज बैड So when, like when like जबकि तो जब आप एंट्री पे जाते हो ना और आपको मैनेजर ने ब्रीफ दे रखी है की अच्छा अच्छा है हाँ। और मैनेजर को भी क्लाइंट ने बोला हुआ कि अच्छा होगा हाँ। अच्छा होगा और आप एंट्री पे पहुंचे और आपको पता है की भाई ये शो

फोन आने बंद हो गए वो साल भर के जो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज आते थे फोन आने बंद हो गए हैप्पी न्यू ईयर दिवाली बंद हो गया नहीं यार इसको ब्लॉक करो ये साला यूट्यूब पे ही अच्छा था कितना मैं तो सोचता हूँ यार कभी कभी कॉमेडियन पे कितना प्रेशर होता है मतलब आप अपना प्रेशर तो लेके जा ही रहे हाँ। प्लस क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी आपसे इवेंट वाले की मैं तो चाहता ही नहीं कोई मेरी तारीफ करे हसीनों के सम्राट जमा दिनों की धड़कन में तेरी माँ का ये है कौन एंड <laughs> वो अच्छा वो शो सही चला गया अभी क्या मोटिवेट करता है आपको कुछ नहीं <laughs> पैसा 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 अब पैसा भी नहीं माय ड्रीम वाज टू बाय हाउस फॉर माय मदर अच्छा पहले uh, I... भी था आपके पास हाँ जी अब दूसरा hmm. वो वाला बेच दिया नहीं ओह oh, Sorry. <laughs> <laughs> sorry guys. Uh, nah, 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 I wanted to buy a bigger house for my mother. My mother. mother struggled a lot right. After my father's right. death,

जब मेरी शादी हुई तो यो फादर पास किड्स तो आज अच्छा लगता है सर्वे छत है मेरे हाँ. वो दिमाग मेरा ना घर कर चुका है वो अच्छा तो मैं वो छत बस बड़ी करना चाहता हूँ बस ओनली पुश आई हैव सो इफ दैट रिलेट्स टू

उन्होंने मेरी माँ को कैसे ट्रीट किया होता राइट right. और क्या खुशियाँ दी होती उस खुशी का अगर मैं टेन परसेंट भी टच कर लूँ आई थिंक आई एम सक्सेसफुल एज अ सन दैट इज़ द ओनली ड्राइविंग फैक्टर आई हैव नॉन व्हाट्सएप्पर उसके अलावा ज़ीरो ज़ीरो ओके इमोशनल कमेंट करो वन सेकंड हैं मतलब कमेडियंस को बहुत ज्यादा ये सारी बातें करके फिर वो हो जाते हैं ना दो मिनट लगते हैं मेरे को रिवाइव करने बट यू कम फ्रॉम द सेम फैक्ट है हां यू आल्सो कम फ्रॉम द सेम फैक्ट नहीं नहीं आई नो आई नो आई नो yeah, वो तो ओके वी ऑल डू तो अभी अभी जब मुझे मुझे याद है बीच में आपने ना बहुत सारा आ, क्या बोलते हैं कमेंट्री भी की थी आपने मैं सब आपने एड्स सब

बहुत ज्यादा देखिए मैंने बट में टिफिन बॉक्स नहीं होता था स्कूल जाते हुए तीन महीने की नौ रुपये बीस पैसे है और मुझे बोलते थे क्योंकि तेरा बाप मरा हुआ इसलिए नौ रुपए बीस पैसे सैंतालीस रुपये होती है तो आई वो दो चीजें ना मेरे दिमाग में घर कर चुकी हैं है तो वो नहीं करूँगा मैं वो सवाल ही पता नहीं होता तो, तो प्रोसेस मेरे को अच्छा लगता है नहीं बिल्कुल अच्छा लगता लेकिन उसके जितने भी लाखों में रुपए आता है ना एंड प्रोडक्ट

मेरी माँ के पास इतना पैसा है उनके बैकग्राउंड में कि अगर मैं आज मर गया ना उस औरत को अगले तीन जन्मों में उंगली नहीं उठानी बस है? तो वो वो डायलॉग मेरे दिमाग में घर कर जाते हैं मेरे को ताने बड़े हाँ, हैं। वो जो टिपिकल हाँ, तो मेरे को आई इट्स नॉट इट्स नॉट इजी सेम वही सौ ऑडिशन दो दस में सिलेक्ट होता है एक मिलता है बिल्कुल उसमें भी पैसे ऊपर नीचे बारह बारह बिल्कुल बिल्कुल बट एवरीथिंग ड्राइविंग फैक्टर फॉर मी वो मुझे वो लेना है

<laughs> मैं ये कॉन्वर्सेशन <conversation laughs> हर बार डॉज <डौच laughs> करके <laughs> मैं सर बट नहीं नहीं मतलब मैं ये कॉन्वर्सेशन क्योंकि पता है इस पॉडकास्ट का मेरे को भी फायदा हो रहा है कि हमने ना ऐसा जब भी जैसे हम टूर पे भी रहे हैं तो हमारी ना कभी भी कॉन्वर्सेशन बहुत ही फर्स्ट लेयर पे ही रही है मतलब कभी भी जैसे शो के बाद एक शो की कॉन्वर्सेशन हो गई yeah. फिर हमेशा थर्ड पार्टी में होते थे हम. पार्टी मतलब जैसे हम किसी कॉर्पोरेट शो में गए क्लाइंट बीच में कॉलेज शो में गए तो बच्चे बीच में रहेंगे तो हमेशा वो ऊपर लेयर पे ही बातें रहेंगी कभी हमारी डेफिनेटली मुझे पता है आपने कुछ कुछ अपनी कहानियां बताई थी बट कभी भी उस डेप्थ में हम गए नहीं हर किसी की है ना स्टिल

Sir, hmm. before we conclude this <laughs> amazing, interesting podcast of Kaffee <laughs> Wildlife Show <Shohid>, with Gupta Ji, <laughs> uh, let me ask you, I don't want to plan. I can't guarantee anything. So let me ask you this question. Can you guarantee you'll we'll get up tomorrow morning alive? Yeah, I'm It's a very obviya, genuine nahi, question. I have no nahi. plans. None whatsoever. None. I want to continue to make myself happy. Okay. I want to continue to get healthy. Okay. Uh, personal level, I want to invest... विपल आई लव देंज दॉमेडी बहुत सेंटर पॉइंट होता था तो घटिया निकलते थे लेकिन एक घंटे पे मैं खुश हो जाता था कॉमेडी नाव कॉमेडी इज अटोन एंड इट इज ओनली वन आवर अ डे रेस्ट ट्वेंटी आवर्स आर टाइम फॉर माई वाइफ और माई मदर माई डॉग और पीपल आई लव माई रेलेटिव राइट कोई भी दैट परसपेक्टिव हैज चेंज

क्या मिलता है 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 आपको मैं क्योंकि आ, मतलब मैंने मैंने कभी रखे नहीं करके वो वो तो देखी है, वो उसमें एक लास का नहीं, हाँची को देखी हाँची 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 को देखी, हाँ. उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है अच्छा कि शो मी अ डॉग विच जजेज अग इफ इट इज ब्लैक और वाइट इंटेलिजेंट और स्टूपिड रिच और पुअर शॉर्ट और टॉल और or any other judgment factor that human beings have for other human beings. Huh. There is none. Show me a dog which does that. Okay. So my dogs are instant happiness for a very shitty day when I come back. What? So if you have a very shitty day, let me ask you this question. बहुत ही गंदा दिन गया. घर आके क्या मिलता? किस चीज़ से खुशी मिलती है? मतलब घरवालों को देखके. Correct. हाँ. रात को दो बजे घरवाले सो रहे हैं. हाँ. फिर.

Right. What try do? and then decide. हाँ, but don't try. This is not a trial factor. This is. अच्छा. A woman is never slightly pregnant. She's either pregnant or not pregnant. Like, <laughs> right? You can't just buy a dog or get a dog. Like, ये नहीं चाहिए. इसी building में first floor, ground floor पे चार पिल्ले हैं. चार जैकेट्स में. ज़्यादा है, सात आठ हैं. सात आठ हैं, जैकेट्स में. क्यों? क्यों हैं? And if you can't, if you are a human being who is not nice to animals, then you are a very degraded human being. Okay. Because human beings, I mean, name one animal who will kill other animals not for food. Right. And I can tell you enough men and women who have killed other men and women <laughs> because of not for food. For <laughs> for, any for, for nothing. <cuch> Haan, Haan. For nothing. Haan. ठीक है जयेशु भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके फाइनल अगर आप कुछ बोलना चाहो ऑडियंस को तो आप बोल सकते हो वैसे तो, जान को अगर ये लग रहा है तो मेरे पास है। <laughs> <laughs> अरे नहीं गाते तो, वो सारी बातें नहीं गए मुझे लगता है की ठीक है करो ना करो हम अब उससे ऊपर है मुझे लगता है की फर्क नहीं हैप्पी लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी राइट ये थिंक आपने किसी मतलब

ऑल्सो अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आई है और ऐसी फ्यूचर में आप और कॉन्वर्जेसन सुनना चाहते हो तो डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल आई एल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी